हेलो, मैं प्रभात पांडे मध्य प्रदेश में रीवा जिले से हूँ। ये बिजनेस, जिस बिजनेस में हम अभी लगभग 6 से 8 महीने हो गए हैं, लगभग 9वां महीना हमारा चालू हो रहा है, स्टार्ट हो गया है सितंबर से। और हम इसमें बिजनेस में जब से आए हैं मार्केट में, तो हमने काफी तरह के नए नए प्रोडक्ट्स हमने मार्केट में लेके आए हैं, नए लॉन्च किए हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि सामने वाले व्यक्ति को हम ये बता सकते हैं कि दिस इज माई प्रोडक्ट। अब इस प्रोडक्ट को हम अपना प्रोडक्ट बता के मार्केट में सेल आउट बिल्कुल कर सकते हैं। और दूसरी चीज ये है कि ऐसे प्रोडक्ट हम लेके आते हैं आपके साथ मिलके, जो मार्केट में मतलब कभी कुछ ऐसे प्रोडक्ट हैं जो जिनके बारे में कोई जानता तक नहीं है। ऐसे चीजें हैं जो कि मार्केट में काफी सबसे नई है, जिनके बारे में लोगों को पता नहीं है, और इतनी हेल्पफुल चीजें हैं। बेसिकली यही था कि जिस चीज के लिए पेमेंट कर रहे हैं वो चीज ऑथेंटिक है या नहीं, फिर वो चीजें कैसी होंगी आफ्टर डिलीवरी, हम उस चीज का टेस्टिंग करेंगे कि वो चीज मतलब कितनी जेन्युइन है या नहीं। तो जब जब वो हमारे पास आई, हमने उसको टेस्टिंग किया तो काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला, रिजल्ट आया। और हम बेसिकली कई सारी कंपनियां, जैसे एक तो ऑफिशियली ब्लैक बक हो गया, एक व्हील साई करके कंपनी है, उनमें ये अपन रेगुलरिटी नहीं थी कि अपन कोई एक चीज जेन्युइन अपन पर्टिकुलर उसी से मांग लेते थे, क्योंकि उनमें काफी तरह की प्रॉब्लम्स भी आती रहती थी, तो कस्टमर्स को सेटिस्फाई करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता था। फिर जब हमने आपके साथ हमारा कॉन्ट्रैक्ट हुआ, तब से हमारा अपन 6-8 महीने से अपन रेगुलरली कर ही रहे बिजनेस, तो इसमें अभी तक हमें कस्टमर के साथ मतलब कोई ये नहीं हुआ कि कस्टमर्स के सामने कि हमें कोई चीज में हम अटक रहे हों या कस्टमर्स को अच्छा सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे हैं, तो वो चीजें हमारे लिए हो जाती हैं। बिल्कुल मोटिव तो यही होता है ना कि हमारा कस्टमर हमारा सेटिस्फाई रहे किसी भी प्रोडक्ट से, तो ये इजी था। सर्विसेज जी, नो डाउट आपकी सर्विसेज काफी कमाल के हैं, बहुत अच्छे सर्विसेज हैं। सर्विसेज बाकी कंपनीज की भी अच्छी होती हैं, मैं ये नहीं कहूंगा कि सर्विसेज खराब होती हैं, बट हाँ ये कि जो एक जैसे एज ए बिगिनर हम बात करें, अगर बिजनेस में अगर हम न्यू हैं एज ए बिगिनर बात करें, तो जो बड़ी कंपनीज हैं, जो अदर कंपनीज हैं, तो वो एट अ टाइम जब हमें जरूरत होती है तो वो सर्विस तब नहीं दे पाती हैं। जिस चीज की सपोज कि अगर हमें रात को 9 बजे जरूरत पड़ती है, किसी ऐसी जगह पे हम फंस गए होते हैं, तो वो अगर हम वहाँ पे अगर सर्विसेज लेने जाएंगे तो वो एट अ टाइम हम उनसे कनेक्ट नहीं हो पाते हैं, इंटरेक्ट नहीं कर पाते हैं, और वो सर्विसेज वहाँ पे हमारे लिए डेड एंड हो जाती है। वहाँ से फिर हम आगे फिर जो हमारे थ्रू हम अपने से कर सकते हैं वही हमारी सर्विसेज होती हैं, और उसके आगे हम आगे कुछ कर नहीं पाते हैं। एंड अब टॉकिंग अबाउट यू, तो ऐसा मान के चले कि अभी तक तो ऐसा नहीं हुआ कि जब भी हमने आपको कॉल किया हो सर्विसेज के मामले में, तो कहीं पे अच्छा रिस्पांस नहीं आया हो, मतलब चाहे वो आपके 1:30 बजे हो, 2 बजे हो, या कभी दिन में शाम को, तो ये काफी अच्छा था रिस्पांस मिला मुझे, हमेशा एनी टाइम पे कभी जरूरत पड़ती थी तो आपके साथ रिस्पांस हमें अच्छा मिला है। बिल्कुल यही सारे तो सर, रीजन्स ये है ना कि बिजनेस करने के लिए, ठीक है ये सबसे बेसिक चीज ये होती है कि अगर हम किसी नई बिजनेस में आ रहे हैं और हमें अगर टाइम पे सपोर्ट नहीं मिलता, जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है टेक सपोर्ट, अगर वो मिलता रहता है तो हम कहीं भी फंस नहीं पाते हैं और हम वहां से आसानी से निकल जाते हैं। तो जब हम किसी चीज पे फंस जाते हैं, हमें वहां पे सपोर्ट नहीं मिलता, तो फिर हमारे वहां पे सेकंड हमारे माइंड में सेकंड थॉट आना शुरू हो जाता है, यार हम जिस व्यक्ति के साथ बिजनेस कर रहे हैं वो एट अ टाइम हमें जब जरूरत पड़ती है तो मदद करता नहीं है, तो फिर ऐसे टाइम में फिर इंसान दूसरा ऑप्शन खोजने लगता है। जीपीएस का हो गया बिजनेस, और साथ में हमने मोबाइल ट्रैकिंग डिवाइस एक अभी अभी रिसेंट में हमने स्टार्ट किया है, शटर लॉक हो गया है, और एक बाइक का अलार्म डिवाइस है जिसमें आप जो अपन यूज करते हैं, और जीपीएस तो है ही है, उसमें ऑल टाइप की जीपीएस हो गया, 2 व्हीलर से लेकर अपन मैक्सिमम जितने व्हीलर्स होते हैं 4 व्हीलर्स का अपन जीपीएस उसमें के साथ यूज कर रहे हैं। तो 3-4 कंपनीज के प्रोडक्ट हैं जो हम अभी फिलहाल यूज कर रहे हैं, और फ्यूचर में बहुत सारे प्लान्स भी हैं आपके लिए, जैसे कि आप बता रहा था कि मेरा भाई बता रहा था कि बहुत सारे प्लान्स उन्होंने आपके साथ डिस्कस कर रखे हैं, तो फिर अपन किसी दिन ऐसे टाइम में बैठ के जो बाकी जो फ्यूचर प्लान्स हैं उनमें डिस्कस करने वाले हैं। बहुत सारे नए टूल्स आने वाले हैं आपके पास, नए सारे प्रोडक्ट्स आने वाले हैं, तो
तो नो डाउट हम उनके साथ भी बिजनेस करेंगे, और जैसे जैसे मार्केट हमारा बनता जाएगा, डेवलप होता जाएगा, तो वैसे वैसे हम भी डेवलप करेंगे, अपना बिजनेस को एक्सपेंड करेंगे, बढ़ा करते जाएंगे। नहीं, एक्चुअली क्या है कि ज्यादातर टेक का काम मेरा भाई ही करता है, अच्छा, और मोस्टली तो उसने वो कोर्स लिया है और काफी अच्छा लगा उसको। बहुत सारी चीजें आसान हो गई उसको देखने के बाद, वीडियो देखने के बाद, कोर्स करने के बाद। जैसे जो चीजें में हम फंस जाते हैं, कहीं ना कहीं अगर हम देख लेते हैं कोई चीज को, करते हैं देखते हैं, तो वो चीजें हमारे लिए आसान हो जाती हैं देखने के बाद। तो बिल्कुल सर। जब भी हम नए मार्केट में आते हैं तो थोड़ा सा ट्रस्ट इशू तो होता है। अब जैसे हम चाहे हमारी बिजनेस की भाषा में कह लें कि, क्योंकि रिस्क तो लेता है, होना लेना ही पड़ता है, बिना रिस्क के बिजनेस तो पॉसिबल ही नहीं होता है। तो या तो हम उसको ये रिस्क समझ लें कि हम किसी चीज में पैसा लगाने जा रहे हैं, तो उसकी सबसे पहले तो उस चीज के बारे में आपको पता होना चाहिए कि वो चीज है कि एक्चुअल में, ठीक है। जब आप वो चीज को जान जाएंगे, समझ जाएंगे, तो आपको बिजनेस करने में आसानी होगी, आपको भरोसा करने में आसानी होगी कि अगर हम किसी व्यक्ति से कोई प्रोडक्ट ले रहे हैं तो जेन्युइन है कि नहीं है। जब आप वो चीज समझ जाएंगे तो आपको आपको ट्रस्ट करना आपके लिए काफी आसान हो जाएगा। और देखिए विल, इसका सेल्स, आफ्टर सेल्स का एक्सपीरियंस तो मैं यही कहूंगा कि अभी तक का ओवरऑल जो भी हमारा एक्सपीरियंस रहा है वो काफी अच्छा था, वेल एंड गुड था। कि ऐसी कोई अभी तक प्रॉब्लम्स हमारे सामने क्रिएट नहीं हुई हैं जो कि हमें या हमारा कस्टमर्स को, क्योंकि हमारे लिए सबसे प्रायोरिटी हमारे कस्टमर होती है, हमें या हमारे कस्टमर्स को किसी एक जगह पे फंसा के रखे कि यार नहीं ये चीजें गड़बड़ हो गई है। हाँ, बीच बीच में क्योंकि टेक्निकल चीजें हैं, थोड़े बहुत इश्यूज आते रहते हैं। 19-20 तो हर किसी प्रोडक्ट के साथ जाओगे तो आपको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम फेस करनी ही पड़ेंगी, पर आप उस प्रॉब्लम्स के साथ, हमें ऐसा नहीं हुआ कि हम उसको सॉर्ट आउट नहीं कर पाए हैं। तो ओवरऑल मैं यही कहना चाहूंगा कि ये सर्विसेज आपकी काफी अच्छी थी, और हमारे हिसाब से तो ये काफी अच्छी गुड है हमारे हिसाब से, ये तो हम तो इसी के साथ जाना चाहेंगे बिल्कुल। और बेसिकली देखा जाए तो ओवरऑल हफ्ते में तो एक मेरे हिसाब से मिल ही जाती लीड। अब क्या है कि काफी सारे बंदे भी हमने हायर कर रखे हैं, तो ये कहना थोड़ा सा मुश्किल होगा, पर ये हाँ, स्टार्टिंग में हमें ये काफी हेल्पफुल लगा था जब हमें लीड से मिलती थी। मेरा भाई खुद जाता था वहां पे और पूरा लोगों को समझाना, एक्सप्लेन करना। कई दफा हम भी उसके साथ गए हुए थे तो लोगों को चीजें एक्सप्लेन करना, बताना, फिर उनको मतलब एक जेन्युइन चीज है कि हम किस किस तरह से इसको प्रोडक्ट को मार्केट में लेके आ रहे हैं, क्या क्या सर्विसेज हैं, कैसा कैसा ये आपके बिजनेस को इफेक्ट करेगा, वो सारी चीजें एक्सप्लेन करना। तो काफी स्टार्टिंग में हमें ये काफी हेल्पफुल लगा हमारे लिए, क्योंकि जब भी हम नए प्रोडक्ट को लेके सेल्फ खुद हम अगर मार्केट में जाते हैं और उसको एक्सप्लेन करते हैं कि भैया हम नया प्रोडक्ट लेके आए हैं, आप इसके बारे में सोचो, देखो क्या कैसा है, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। पर जब हमें कहीं से लीड्स मिलती हैं और हम किसी व्यक्ति के बुलावे पे जाते हैं, तो वहां पे हमारा जो कॉन्फिडेंस होता है थोड़ा सा हाई रहता है, तो हमें वो चीज बताने में, काम करने में आसानी हो जाती है।